हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो भाई, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE फोन, ये फोन इंडिया में 50,000 रुपये में लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ दिन के बाद ये फोन हम सभी को 40,000 रुपये का मिला। फिर इस फोन का लोएस्ट प्राइस 30,000 रुपये तक गया। अब दोस्तों, 2023 एडिशन भी लॉन्च हो चुका है, मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का 2023 एडिशन भी लॉन्च हुआ है। ये एडिशन इंडिया में 50,000 रुपये में लॉन्च हुआ है और इस एडिशन को अभी आप लोग ऑफर लगा के बाय कर सकते हो मात्र 45,000 रुपये का। अब सवाल ये आता है कि क्या इसी बिग बिलियन डे सेल में हम सभी को गैलेक्सी S21 FE में और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है या फिर और भी ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है? तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, जो आप सभी को मिलने वाली है इसी बिग बिलियन डे सेल में। हाँ, यहां पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहां पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का प्राइस क्या हो सकता है इसी बिग बिलियन डे सेल में। हाँ, मैं 2023 एडिशन के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करने वाला हूं। तो देखिए, ये फोन हम सभी को इसी बिग बिलियन डे सेल में 25,000 रुपए के आसपास मिलने वाली है। ये आप लोग यहां पर गारंटी ही मान के चल सकते हो, क्योंकि दोस्तों पिछले ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हम सभी को सैमसंग गैलेक्सी S20 FE भी 25,000 रुपए का भी मिला था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इस फोन में हम सभी को COD में इतना डिस्काउंट मिलेगा या फिर COD में इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा? तो इस फोन में आप सभी को COD में इतना डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। COD में ये हम सभी को 27,000 से 28,000 रुपए का मिल सकता है और कार्ड ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर लगा के ये हम सभी को मिलने वाला है 25,000 से 26,000 रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग कंफर्म मान के चल सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000 रुपए होने वाली है। वहीं दोस्तों, मैं इसी फोन का 2023 एडिशन के बारे में बात करूं तो ये एडिशन हम सभी को अंडर 40,000 रुपए का फिक्स मिलने वाला है। हाँ, अब ये COD में मिलता है या फिर कार्ड ऑफर लगा के मिलता है ये हम सभी को कुछ दिन में पता चल ही जाएगी, मतलब कि 3 अक्टूबर को सैमसंग फोन का प्राइस रिवील होने वाला है इंडिया में, मतलब कि फ्लिपकार्ट पर। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली 3 अक्टूबर का वेट कर सकते हो। मैं एक बार आप सभी को प्राइस फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE हम सभी को मिल सकता है 25,000 रुपए के आसपास और इसका 2023 एडिशन हम सभी को मिलने वाला है अंडर 40,000 रुपए में। और हाँ, 2023 एडिशन हम सभी को 35,000 रुपए का भी देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस। आप लोगों ने मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं आप सभी को लूट डील की जानकारी देते रहता हूं। तो उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप सभी को पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो अब मैं बात कर लेता हूं क्या आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में आप सभी को इससे बेटर फीचर्स के साथ दूसरा फोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जिसको भी सैमसंग का ही फोन चाहिए इस प्राइस रेंज में, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। वैसे आप सभी को इस फोन में 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ, डिस्प्ले इस फोन में हम सभी को बेटर मिलेगा, प्लस 12 MP के साथ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE फोन में। 12 MP का मेन कैमरा, दूसरा कैमरा भी 12 MP का, तीसरा कैमरा हम सभी को 8 MP का मिलता है। साथ में इस फोन में आप सभी को मिलेगा OIS का सपोर्ट, प्लस इस फोन में देखने को मिलता है 32 MP का सेल्फी कैमरा। हाँ, लेकिन जिसको सिर्फ गेमिंग के लिए ही फोन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर दूसरे फोन के साथ जा सकते हो और इस फोन में हम सभी को मिलता है मात्र 4500mAh का बैटरी, 25W का फास्ट चार्जिंग, वे भी बॉक्स में आप सभी को चार्जर भी नहीं मिलने वाला है, आप सभी को अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर 2023 एडिशन वाले फोन को बाय करते हो तो इसमें आप सभी को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर, जो कि इस फोन में आप सभी को डेफिनेटली गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 888 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर थोड़ा सा हीट करता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ये सारा चीज देख लेना। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।